घटना आज सुबह की है। दरभंगा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के दोनार चर्च गेट के सामने दो बाइक के साथ साथ एक मैजिक वाहन का आपस में जोरदार टक्कर हो गया। टक्कर इतना जबरदस्त था कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं मैजिक वाहन के शीशा भी टूट गया। घटना में दोनों बाइक सवार पाँच व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए, इनमें एक महिला भी शामिल है। जैसे ही घटना घटी घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गया। किसी तरह लोगों ने सभी घायल को एक सड़क के किनारे हटा दिया। वहीं घटना की सूचना स्थानीय थाना को भी दिया गया। मौके पर कोतवाली थाना पहुंचकर सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए डीएमसीएच अस्पताल भेज दिया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वहीं सभी घायल की पहचान में लगे हुए हैं। मैजिक वाहन चालक की माने तो KTM बाइक सवार तीन व्यक्ति सवार थे। वहीं गलत लेन के कारण यह घटना हुई। मैजिक अपने साइड से जा रहा था, तभी KTM बाइक अचानक अपना साइड छोड़कर इस साइड में आ गया, जिसके कारण तेजी से उस मैजिक वाहन में टक्कर लग गया। वहीं पीछे से भी एक मोटरसाइकिल आ रहा था, उसको भी टक्कर लग गया। मैजिक वाहन का शीशा भी टूट गया। इसके बाद बाइक से जा टकराई। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर प्रक्रिया में जुट गई है। आइए सुनाते हैं इस संबंध में जो मैजिक सवार ड्राइवर हैं, उन्होंने क्या बताया। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से, मनोज झा। क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट बताए थे? उधर से आ रहा था रॉन्ग साइड, हम इधर से जा रहे थे अपना साइड में, इतना स्पीड था उसको संभालना आया, हमको ठोक दिया आगे। कितने गाड़ी में टक्कर हुई? हाँ, इसमें हुआ और एक थोड़ा स्प्लेंडर पीछे था उसमें। तीन गाड़ी आप टक्कर? हमारा पीछे में एक स्प्लेंडर था। आप इधर से जा रहे थे? हाँ, इधर से जा रहे थे, वो इधर से आ रहा। कि गलती किसकी ने जा रहे थे? गलती वो मोटरसाइकिल वाले की था, अपना साइड जाना चाहिए, हमारे साइड आ गया, उनने से आके इधर ठोक। हाँ, इतना स्पीड था बस उसमें, हमको ठोक दिया। तो क्या स्थिति है सबकी, आप लोगों को भी चोट लगा? दो हमारा खलासी थोड़ा चोट है हाथ में। बाइक सवार का? बाइको सवार का चोट था, KTM गाड़ी, तीन आदमी उसमें था KTM। पुलिस वुलिस आई? अभी आई। क्या नाम आपका? राम भरोसा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम पनीर लेकर आते हैं बेगूसराय जिला से, यहाँ खाली करके अभी जा रहे थे DAV गली से।